तो आज हम देखेंगे क्लास सिक्स एनसीईआरटी का जियोग्राफी का फर्स्ट पार्ट है द अर्थ आवर हैबिटेट, समझे? उसका पहला पार्ट मैं बना रहा हूँ वीडियो। तो जानते हो इसमें नया नया वर्ड है, न्यू वाला है जो एनसीईआरटी है। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं, पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या बोलते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। और 15 दिन के बाद या नहीं देखा जा सकता, 15 दिन के बाद जो होता है ना नए चंद्रमा वाली रात को अमावस्या कहते हैं। ध्यान देना, अमावस्या किसे कहते हैं? नए चंद्रमा वाली रात को अमावस्या कहते हैं और पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है ना। और देखो सूर्य चंद्रमा तथा ये सभी वस्तुएं जो रात में आसमान जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। सूर्य चूंकि एक तारा है, तारे भी आ जाएंगे उसी में। सूर्य जो भी रात को आसमान में चमक रहा है सब क्या हमारा बन जाएगा? खगोलीय पिंड बन जाएगा। अगला ऐसा है कि ऐसे खगोलीय पिंड जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिनकी खुद की ऊष्मा होती है, तारा कहलाते हैं। सूर्य भी एक तारा होता है, ये आकार में बहुत बड़े व गर्म होते हैं, ये गैसों के बने होते हैं। इतनी टॉपिक अगर आपकी क्लियर है तो आप फिर से हो जाओ प्रश्न पे। उसी क्रम में आगे चलते हैं कि तारों के कुछ विशेष समूहों से बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं, जैसे अर्सा मेयर या बिग बियर, यानी कि कुछ विशेष प्रकार के उसमें तारे होते हैं, कुछ में कुछ मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, मतलब एक संख्या निश्चित संख्या में होते हैं, जो वो बनाते हैं समूह ना उसको नक्षत्र मंडल कहते हैं। और अगला है कि तारों के जो बड़े बड़े समूह होते हैं उनसे जो आकृति बनती है उसको आकाशगंगा कहते हैं। बड़ा बड़ा जब तारों का समूह ले लोगे वो आकाशगंगाएं बन जाएंगी, और आकाशगंगाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको बताते चलें कि सप्त ऋषि या एक सात तारों का एक समूह है जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेयर का एक भाग है। क्या नाम है? सप्त ऋषि सात तारों का समूह किसका भाग है? अर्सा मेयर नक्षत्र मंडल का एक भाग है। तो देखते हैं बच्चों कि तारों का महत्व क्या होता है। प्राचीन समय में जो तारे थे हमको दिशा बताने में बड़ी सहायता करते थे। जैसे मान लो जैसे उत्तर तारा उत्तर दिशा को बताता है। उत्तर तारा मतलब कि जानते हो जो बचपन में आप कहानियाँ सुना करते दादी माँ से, ध्रुव तारा कोई उत्तर तारा कहते हैं, क्योंकि उत्तर ध्रुव होता है दक्षिण ध्रुव होता है, तो उत्तर वाले को हमने क्या बोल दिया? उत्तर तारा बोल दिया, उसी को ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। ये हमेशा स्थायी रहता है, चलता फिरता नहीं है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। सप्तऋषि यानी कि सात तारों का समूह नक्षत्र मंडल होता है। देखो मान लो 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा सप्तऋषि बन गया। और जानते हो इन दो तारों के सीध में इंसान अगर देखेगा तो इन दो तारों के सीध में क्या मिलेगा? यही होता है ध्रुव तारा मिलेगा। ध्यान देना, आप इसको आसमान में आसानी से देख सकते हो। इसकी सहायता से पूरब जानना हो तो इसके सामने खड़े हो जाओ, राइट हैंड पे पूरब मिलेगा, लेफ्ट पे क्या मिलेगा? पश्चिम मिलेगा, और पीछे क्या मिलेगा? दक्षिण मिलेगा, है ना। सारी दिशाएं आपकी यहीं से मिल गई, नहीं मिल गई, बट आपको जानना जरूरी था तो हमने आपको बताया। क्रम में बच्चों आपको आगे बता दें कि कुछ खगोलीय पिंडों में स्वयं का प्रकाश ऊष्मा नहीं होता। कुछ ऐसे आसमान में पिंड होते हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश ऊष्मा नहीं होता, ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं, ठीक है ना। इनको हम क्या बोलते हैं? प्लैनेट बोलते हैं, इनको ग्रह बोलते हैं। इनको मतलब जिनके पास खुद का प्रकाश ऊष्मा नहीं है वही सब क्या बनते हैं? ग्रह कहलाते हैं, प्लैनेट कहलाते हैं, ठीक है ना। 8 प्लैनेट आपके पास हैं इस अर्थ पे, मतलब इस वायु मतलब कि इस आपके ब्रह्मांड में जो हमारे ज्ञान में है। तो आर्यभट्ट प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री थे, उन्होंने ये अपने बहुत समय पहले बता दिया था कि सभी ग्रह व चंद्रमा परावर्तित सूर्य यानी कि सूर्य भी तारा है ना के प्रकाश के कारण चमकते हैं, यानी कि सूर्य का प्रकाश जो परावर्तित होता है ना उसके कारण वो चमकते हैं। उनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, चमकते तो हैं बट सूर्य और तारों के प्रकाश के कारण वो चमकते हैं। बात समझ में आ गई ना। आपके लिए एक बेहद ही शानदार जानकारी है अब की बार कि जुपिटर सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। अब तक क्या जानते थे आप कि वास्तव में नई बात है आपके लिए कि अब तक जो सैटर्न आप जानते थे सैटर्न के चारों ओर क्या होते हैं? रिंग्स होते हैं ना। लेकिन सैटर्न बस नहीं, जुपिटर के पास भी होता है और यूरेनस के पास भी होता है। ये नई वाली एनसीईआरटी की बुक में चीज है। दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रीज, यानी कि जो मतलब रिंग होता है ना वो भिन्न भिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण इनके चारों ओर होते हैं। तो अब तक आपके पास सैटर्न जानते थे ना, लेकिन अब याद कर लो जुपिटर भी है और यूरेनस भी इनके साथ है कि इनके चारों ओर भी क्या होते हैं, मतलब कि बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रीज पाए जाते हैं। इन बातों को याद कर लोगे तो आपके लिए चीजें और आसान हो जाएंगी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे आज ग्रहों की स्थितियां। बहुत आराम से चीजों को समझा जाएगा जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो सन है, सन के बाद हमारे पास 8 ग्रह जो ज्ञात हमारे पास है यही होते हैं। बुध होता है, शुक्र होता है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है ना। ध्यान दो, अब पहली बात तो इनको हमको याद करना है। बुध सन सबसे मतलब कि सन के सबसे करीब कौन है? बुध है। इनको याद करने का तरीका होता है समझो, पहले आप दिनों को याद कर लो। संडे मंडे आपको आता है ना, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार आता है ना, तो आप शुरू करना बुध से। कहाँ शुरू करना? बुध से। तो बुध आ गया,
बुध के बाद एक स्थान छोड़ना, यानी कि बुध बृहस्पति छोड़ना, शुक्र आएगा तो देखो शुक्र आ गया ना, फिर शुक्र के बाद एक स्थान छोड़ दो, फिर क्या आएगा रविवार आएगा। रविवार को आप पृथ्वी मानोगे, रविवार को आप क्या मानोगे पृथ्वी मानोगे, ठीक है ना। अब रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार छोड़ दो मंगलवार आएगा, मंगल आ गया, मंगल के बाद बुध छोड़ दो बृहस्पति आएगा, अब बृहस्पति के बाद शुक्र छोड़ दो शनि आएगा, यानी कि अल्टरनेट में रविवार को मतलब कि पृथ्वी मानना है और बाकी अल्टरनेट में चल रहा है बुध शुक्र मंगल बृहस्पति शनि, ठीक है ना। और अंतिम बचते हैं अरुण और वरुण, जिनका नाम यूरेनस और नेपच्यून होता है, समझ गया ना। चीजों को आप याद कर लोगे, ग्रहों की स्थितियों के बारे में अगर आपको याद हो जाएगा तो अच्छी बात है, फिर कभी भूलोगे नहीं। यहाँ पे हालांकि सवाल बनते हैं, सवाल क्या बनते हैं कि सूर्य के सबसे करीब कौन है, बुध है, सूर्य के मतलब कि सूर्य की इससे आगे बढ़ते हुए बताओ तीसरे पे कौन है, तो पृथ्वी है। अगर याद रहेगा तभी ना बताओगे, तो ये याद कर लोगे ना, यह बुध है, यह शुक्र है, पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, ठीक है ना। अब देखो जरा, मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पट्टी पाई जाती है, ध्यान देना, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाई जाती है, एक पट्टी पाई जाती है, और जो पट्टी होती है ना उसी में होते हैं छोटे छोटे खगोली पिंड होते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह की पट्टी। क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह की पट्टी बोलते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो बोलना मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पट्टी पाई जाती है खगोली पिंडों की, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रहों की पट्टियाँ बोलते हैं, पट्टी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। अच्छा, कोई भी जो ग्रह है ना, अपनी जो पृथ्वी है, हम कहाँ पर रहते हैं, बुध शुक्र के बाद पृथ्वी आता, हम पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं। अब जानते हो किसी भी ग्रह, यानी कि आपका सवाल बनता है कि पृथ्वी की कितनी प्रकार की गतियां होती हैं, तो पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती हैं, एक होता है परिभ्रमण, एक होता है घूर्णन। परिभ्रमण मतलब सबका होता है, केवल पृथ्वी का नहीं सभी ग्रहों का होता है। अब पृथ्वी यानी कि सन, मतलब परिभ्रमण मतलब क्या, पृथ्वी सन का चक्कर लगा रही है, ये परिभ्रमण हो गया। घूर्णन मतलब क्या कि नाचते नाचते चक्कर लगा रही है। कभी आप लट्टू नचाए हो, लट्टू अगर नचाए हो तो जब बहुत तेज पटकते हो ना तो नाचते नाचते आगे बढ़ता है, तो पृथ्वी भी क्या हो रही है, नाच नाच के नाच नाच के नाच नाच के आगे बढ़ रही है, इसी को हम बोलते हैं उसी घूर्णन गति। जो नाच नाच की जो नाच नाच रहा है ना वो घूर्णन है, और जो आगे बढ़ रहा है वो क्या है, परिभ्रमण है। तो दो प्रकार की गतियां हर ग्रहों की होती है, ठीक है ना। अब एक बात और जान ली इसी क्रम में, बुध और शुक्र ये दो ऐसे हमारे पास मतलब कि ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि जिनके पास कोई चंद्रमा नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है, लेकिन बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई चंद्रमा नहीं है। और इसी में अब बात जान लो कि आंतरिक ग्रह क्या होता है और बाह्य ग्रह क्या होता है। आंतरिक ग्रह जान लो कि शुद्र ग्रह की पट्टी के अंदर वाले जो चारों ग्रह है ना, इसको आंतरिक ग्रह बोलते हैं, और ये सब चट्टानों की बनी होती है। ध्यान देना कि शुद्र ग्रह की पट्टी के अंदर जो भी ग्रह हमारे हैं वो क्या कहलाएंगे, आंतरिक ग्रह कहलाएंगे, ध्यान दीजिएगा हमारी बात का। और इस चट्टानों के बने होते हैं, और शुद्र ग्रह के बाद के जो भी ग्रह है ना, इनके बाहर जो सूर्य से बहुत दूर है, गैसों के बने होते हैं, ये क्या होते हैं, इन्हें बोलते हैं बाह्य ग्रह। तो शुद्र ग्रह के अंदर की पट्टी जो है ना, उसमें जो भी अंदर ग्रह है उसे क्या बोलेंगे, अंदर वाले भाग में आंतरिक ग्रह बोलते हैं। चार आंतरिक हैं और चार बाह्य हैं, यानी कि आंतरिक और बाह्य को कौन बांटता है, ये शुद्र ग्रह की पट्टी मतलब बांटती है, ठीक है ना। एक बात और जान लो, मतलब कि पृथ्वी और शुक्र ये दोनों जो ग्रह है ना, इनके जो मतलब कि कह सकते जो व्यास हैं लगभग बराबर होते हैं। पृथ्वी को शुक्र का बहन भी कहा जाता है, तो इनके व्यास लगभग क्या है, बराबर है, जुड़वे कह मतलब कहे जा सकते हैं। कि क्यों होते हैं, क्योंकि इनके जो साइज होते हैं ना लगभग बराबर होते हैं। तो ये भी आपने जान लिया है। अगर मैं बच्चों आगे बढ़े तो पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को सोल कहा जाता था, सोल तो ही बना है सोलर। और जान लो कि सोलर मतलब सौर कह सकते हो, सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं, सोलर सिस्टम, सोल तो ही क्या आया है, सोलर सिस्टम आया है, ठीक है ना। अब देखो जरा, सौर मंडल जो है सूर्य है, आठ ग्रह और कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रहों से मिलकर बना है, और उल्का पिंड मतलब कि छोटे छोटे पत्थर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, सौर परिवार कहते हैं। चीजें इतनी आसान आपके लिए हैं कि क्या बताएं, समझ गया ना, कुछ है ही नहीं। सोलर सिस्टम, और जो सोलर सिस्टम है तो मतलब कि वह सौर परिवार कैसे कहता है कि सूर्य आठ ग्रह कुछ खगोलीय पिंड उल्का पिंड मिल जाते हैं, तो वही क्या बन जाता है, सौर परिवार बन जाता है। इसी क्रम में बच्चों हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, यानी कि पूरे सौरमंडल के लिए मतलब कि इस जिस वहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, जो भी ग्रह हैं पूरे सौरमंडल के लिए सूर्य प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते हैं,
हम इसकी तेजस्मा को महसूस नहीं कर सकते हैं, भले हम उसके पास हैं, तीसरे स्थान पे हम लोग हैं आरा की, फिर भी जानते हो क्योंकि यह नज़दीक होने के बावजूद हमसे बहुत दूर है। यह मतलब कि पृथ्वी से लगभग कितना करोड़ किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ध्यान दीजिएगा। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि पृथ्वी और शुक्र का आकार लगभग बराबर है, ठीक है ना। अगला क्या है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। पहले देखो, पहले आता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी आता है ना, और आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, पृथ्वी है। बात हमारी समझ गया ना, कोई बात नहीं। क्रम में आगे बढ़ते बच्चों, हम जानते हैं कि अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, यानी कि प्लूटो भी एक प्लैनेट माना जाता था, बट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी बैठक 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, जैसे 2003 यूबी 313, सीरस तथा प्लूटो, ये सब क्या है, बौने ग्रह की उपाधि इनको दे दी गई। कौन कौन से, 2003 UB313 सीरस एंड प्लूटो, इन सबको कौन सी उपाधि मिल गई, बौनो ग्रह की उपाधि मिल गई। कब मिली, 2006 में मिली, यानी कि इस संस्थान ने, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इनको खत्म कर दिया, यानी कि इनको कहा बौने ग्रह सब है। क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं बच्चों कि पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब, एक नया वर्ड है भू आब कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, पृथ्वी के समान आकार वही भू आब होता है। और जीवन की अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाते हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न अत्यधिक ठंडी है, यहाँ पानी व वायु यानी कि ऑक्सीजन उपस्थित हैं जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह किसे कहते हैं, तो आप किसी और को न करके केवल किसको कहेंगे, अद्भुत ग्रह कहते हैं पृथ्वी को, क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है, यहाँ पर हमारे जीने के लिए सारी चीज़ें मतलब कि अनुकूल अवस्था में पाई जाती हैं, इसीलिए इसको अद्भुत ग्रह कहते हैं। इसी क्रम में बच्चों हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी है और इसी कारण इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है ना। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लग जाता है, लगभग कितना, 8 मिनट, जबकि प्रकाश का वेग कितना है, 3×10^8 मीटर/सेकंड, यानी कि 300,000 किलोमीटर/सेकंड है। अब देखो, नील आर्मस्ट्रांग एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। कौन, नील आर्मस्ट्रांग। और पृथ्वी से चंद्रमा तक की जो दूरी होती है कम ही होती है, 384,400 किलोमीटर लगभग होती है, ठीक है ना। और जो चंद्रमा है पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है क्योंकि उसका उपग्रह जानते ही हो, तो बोलोगे ये पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन पूरा करती है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन पूरा करती है, ऐसे नाचते, ठीक है ना। तो 27 दिन लग जाते हैं इसको एक चक्कर पूरा करने में, और इसकी घूर्णन गति भी 27 दिन की होती है। घूर्णन गति मतलब कि एक चक्कर ऐसे न करने में ना अपने ऐसे के पड़ते 27 दिन लगाता है। तो अगर आपको जानकारी क्लियर हो गई तो फिर आगे बढ़ेंगे। हम जानेंगे आज उल्का पिंड किसे कहते हैं। इसी क्रम में तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं, उल्का पिंड कहलाते हैं। हालांकि जो उल्का पिंड होते हैं कभी कभी मतलब कि हमारे या पृथ्वी वाले कक्षा के अंदर आते हैं तो घर्षण के कारण क्या होते हैं, आग के रूप में बनते बनते या तो पृथ्वी तक आते थे समाप्त हो जाएंगे, घर्षण के कारण आग लग जाती है तो यहाँ तक आते थे समाप्त हो जाएंगे, या फिर जो बड़े आकार में होंगे जो समाप्त नहीं हो पाएंगे, अगर पृथ्वी पर गिरेंगे तो बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। उल्का पिंड छोटे छोटे पत्थर होते हैं, छोटे छोटे मतलब कि अब सूर्य के सामने तो सब छोटे ही है ना, उसके चारों चक्कर लगाने वाले पृथ्वी कक्षा में आते हैं तो या तो जल जाएंगे या तो गिरेंगे तो बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करेंगे।